व रहमतुल्लाहि व वर डियर स्टूडेंट्स आई होप दैट यू ऑल आर फाइन बाय द ऑफ़ दे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्या बताता हूँ आपको प्रेजेंट इन टेंस और इसके यूज़ेस, मेन फंक्शंस और इसके रूल्स को हमने डिस्कस किया था डिटेल के साथ और प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था वो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस किए थी और कुछ आपको होमवर्क दिया गया था कि आपने उसको क्या करना है घर में प्रैक्टिस करना है और अब आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि एक तो पैसिव कैसे इसका बनता है और फिर इन दोनों टेंसेस का इन दोनों मतलब इनके प्रेजेंट इंडेफिनेटेंस की एक्टिव फॉर्म और प्रेजेंट इनडेफिनेटेंस की पैसिव फॉर्म यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इसका सीखेंगे कि एक सेंटेंस को एक्टिव में कैसे बनाया जाता है और फिर उसी को कन्वर्ट जब किया जाता है पैसिव में तो वो कैसे किया जाता है होप कि आप मुझे समझ रहे होंगे अब देखते हैं कि एक लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ राइट right? और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्ज करें एक्टिव और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैसिव एक बात लाजमी याद रखिएगा सेंटेंस चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए मीनिंग सेम रहना चाहिए राइट यानी कि जब सेंटेंस की ट्रांसलेशन की जाए या सेंटेंस को समझा जाए तो उसमें मीनिंग में, में फ़र्क नहीं होना चाहिए अब वो कैसे आपको पता चलेगा अभी आपको बताया जाएगा अब देखें कि जब हमने पढ़ा था एक्टिव टेंस इसका हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था कि सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद क्या आएगा वी वन और उसके बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट आएगा वी वन आएगा? आएगा, आएगा और उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा राइट ये चीज़ हमने क्या की थी पढ़ी थी और उसके बाद अब इधर देखें तो हमने क्या कहा था जब पैसे बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपको याद हो ये वाली चीज़ बी प्लस बी प्लस वी बी प्लस वी से सिमराध क्या है बी से मनाथ क्या होता है बेस बेस फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म्स हमारा इन देंस कि अगर इसकी प्रेजेंट में फॉर्म्स देखें इज एम आर राइट तो हम प्रेजेंट इन डेफिनेट एंस पढ़ रहे हैं तो इसकी यहाँ पे कौन सी फॉर्म्स हो जाएंगी इज एम आर और उसके बाद मैंने क्या कहा कि वी कौन सी लगेगी वी थ्री तो यहाँ पर भी हमने ये चीज़ जहन रखनी है कि पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे ये बी की फॉर्म्स अब बी आप लिख दें या फिर इज एम आर लिख दें ये आपके समझाने के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ इज़ एम आर वैसे आप यहाँ पे अखलाक नाम आपको क्या लिखना चाहिए बी लिखना चाहिए बी से बना ये नहीं होगा कि आपने उधर सेंटेंस जब बनाएंगे तो बी लिखेंगे लेकिन बी की जो प्रेजेंट फॉर्म्स हैं वो क्या हैं इज़ एम आर इसके बाद क्या हो जाएगा वी थ्री हो जाएगा और वी थ्री के बाद हम क्या करेंगे बाय लिखेंगे और बाय के बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट की जब सब्जेक्ट इधर जाएगा तो उसकी हमने ऑब्जेक्टिव फार्म लिखनी है कौन सी फॉर्म लिखनी है ऑब्जेक्टिव केस अब ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या है बताता हूँ आपको ऑब्जेक्टिव केस से मुनात क्या है कि फर्ज कहीं यहाँ पे सेंटेंस है आई राइट अ लेटर मैं खत लिखता हूँ आई राइट अ लेटर लेकिन जब हम इसको इधर कन्वर्ट करेंगे तो इधर क्या था हमारे पास आई राइट अ लेटर तो इधर क्या हो जाएगा लेटर लेटर एक सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा इज़ अ लेटर इज़ आगे थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटर्न तो क्या हो जाएगा आ लेटर इज रिटर्न बाय आगे क्या होगा आई होगा या मी होगा क्योंकि हमने लिखाना है सब्जेक्ट लेकिन सब्जेक्ट में केस कौन सा होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा तो क्या होगा यहाँ पे आई की जगह क्या आ जाएगा मी इधर हमारे पास आई आएगा क्योंकि यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है इधर हमारे पास ये सब्जेक्ट के तौर पर तो इस्तेमाल हो रहा है लेकिन केस कौन सा बन रहा है हमारे पास ऑब्जेक्टिव तो पास यहाँ पर क्या हो जाएगा मी हो जाएगा अब देखें यहाँ पर नेगेटिव जब हमने बनाया था तो नेगेटिव में सबसे पहले क्या लिखा था हमने सब्जेक्ट उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट और नॉट के बाद हमने कौन क्या लिखा था वी वन और वी वन के बाद हमने क्या लिखा था ऑब्जेक्ट लिखा, लिखा था ऐसे ही है और इधर जब हम बनाएंगे पैसि में तो पैसि में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट उसके बाद ये इज है एम है आर है इनका यूज भी आपको पता होना चाहिए इज हमने कब लगाना है एम कब लगाना है और आर कब लगाना है जब वैसे तो ये कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसके क्या करते हैं पैसिव बनाते हैं बी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हम इसके पैसिव में हम इस एम आर को इस्तेमाल करते हैं क्या यहाँ पे देखना ये में लिखा आई इसके साथ क्या होगा एम अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ही शी इट या फिर अली इनके साथ हम क्या लगा देंगे इज यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी चीज़ होगी तो हम क्या लगाएंगे इज़ लगाएंगे सिर्फ आई के साथ क्या आएगा एम आएगा इसी तरह वी यू दे दो या दो से ज़्यादा नाम आ जाएं इनके अली एंड उमर इनके साथ हम क्या लगाएंगे आर लगाएंगे राइट right? क्योंकि ये प्लूर फॉर्म्स हैं तो अब यहाँ पे देखना ये है कि इसी तरह जब हम पैसिव बनाते हैं अगर यहाँ पे आई आ जाता है तो उसके साथ क्या लगेगा एम लगेगा अगर यू आ जाता है तो क्या लगेगा आर लगेगा अगर शी आ जाता है तो क्या लगेगा इज लगेगा अभी एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा आप इसको समझेंगे इन उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास वी थ्री उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट ये बाय और सब्जेक्ट जो है ये मैं बताऊँ तो आपको कोई इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो तो हमें बार बार ये मैंशन करने की ज़रूरत नहीं होती बाय ये बाय वो बाय वे ये बाज़ ज़रूरत पड़ जाती है जब आपसे पेपर में ये चीज़ पूछी जाती है राइट अब उसके बाद मैं मूव करता हूँ आपको इसके इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं ये इसका बेसिकली पॉजिटिव था और ये इसका नेगेटिव अब इंटरोगेटिव में हमने क्या पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस और उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट होगा और उसके बाद क्या होगा वी वन और उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा इसी तरह जब इधर देखेंगे इंटरोगेटिव में तो क्या हो जाएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब अब हेल्पिंग वर्ब से हमारा क्या है इज एम और इनमें से कोई भी आ सकता है उसके बाद क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद वी थ्री और उसके बाद क्या है बाय प्लस सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट से हमारा हमेशा ये समझिएगा कि ये हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव की तरफ जाएँ आप तो इसमें क्या करना है हमने सबसे पहले हेल्पिंग uh, वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद क्या था हमारे पास नाट और उसके बाद वी वन और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क इधर भी नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव की तरफ जब जाएँ तो क्या होगा हेल्पिंग वर्ब उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्या होगा नॉट नाट के बाद वी थ्री और उसके बाद बाय और बाय के बाद क्या होगा सब्जेक्ट होगा राइट right? यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैंने क्या बोला है अब हम आते हैं प्रैक्टिस की तरफ एक्चुअली यू नो द थिंग विच यू नो विल हेल्प यू आर लाट दैट इज़ प्रैक्टिस एज यू माइट हैव यू नो हर्ड दिस प्रोवर्ब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट राइट सो ऑलवेज पॉजिटिव प्रैक्टिस मेक्स यू आर परफेक्ट राइट नॉट नेगेटिव राइट अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है एक सेंटेंस है फ़र्ज करें सेंटेंस ये है आ, एक मैं अक्सर सेंटेंस बोलता भी रहता हूँ क्लासेस वगैरह में भी वो आपको भी पता होगा वो बेसिकली सेंटेंस ये है मैं चाय पीता हूँ मैं चाय पीता हूँ राइट ये बहुत आसान सेंटेंस इसलिए चूज़ किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए सेंटेंसेस को जब जनरेट करने पे आप आ जाएंगे रूल्स आपको आप समझ आ जाएंगे तो आप बड़े बड़े सेंटेंस खुद से बना लेंगे राइट सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए हमने कौन सा चूज़ किया है मैं चाय पीता हूँ अब ये एक्टिव में है अब देखें इसकी जब मैं इंग्लिश में होगा तो क्या बनाऊंगा आई टेक टी आई ड्रिंक टी भी आप कह सकते हैं लेकिन ड्रिंक टी थोड़ा इनफॉर्मल हो जाएगा ठीक है आपने क्या यूज़ करना है वर्ड टेक या हैव इस्तेमाल कर सकते हैं या टेक ये दो वर्ड्स आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो मुनासिब यही है आपके लिए कि आई टेक टी मैं चाय पीता हूँ तो जब मैं इसको पैसे में कन्वर्ट करूंगा अब देखना ये आपने कि आया कि आपको बाय रूल ये सब चीज़ समझ आती है या नहीं आती अब देखें हमने बताया था कि जब एक्टिव में होगा हम सबसे पहले क्या करेंगे फोकस हमारा किसके ऊपर होगा सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपसे पूछे चाय कौन पीता है तो आप कह सकते हैं मजर पीता है कह सकते हैं ना इसमें अर्ज तो कोई नहीं है कि जो चाय पीता है उसी का नाम लेंगे तो मैं कह दूँ तो मैं चाय पीता हूँ मैं चाय पीता हूँ नोट कर लो नोट कर लो इस बात को प्लीज़ कि मैं चाय पीता हूँ तो जब मैं कहूँगा मैं चाय पीता हूँ तो सब्जेक्ट क्या आ गया पहले आ गया उसके बाद टेक टी चाय पीता हूँ ऑब्जेक्ट आखिर में आया लेकिन जब पैसे में हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि पैसे में जब भी हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हमें फ़ोकस करना है क्या जा पिया जाता है चाहे पी जाती है जब पीने वाली चीज़ के ऊपर फोकस होगा तो हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को फिक्र के शुरू में ले आएंगे देखें ये हमारे पास क्या है सब्जेक्ट है ये वर्ब है और ये क्या है ऑब्जेक्ट है इधर हमने क्या लिखा हुआ है कि जब इसी सेंटेंस को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा टी तो ये सिंगुलर शो हो रहा है तो क्या हो जाएगा टी इज क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसमें बी की ये जो फॉर्म्स हैं प्रेजेंट में ये इस्तेमाल होती हैं तो हम ये लगाएंगे टी इज़ उसके बाद टेक टेक फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी टेक है तो सेकंड फॉर्म क्या है ठुक थर्ड क्या है टेकन इनके फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स भी आपको आनी चाहिए टेक फर्स्ट फॉर्म है टुक टी डबल ओ के टुक सेकंड फॉर्म है टेकन थर्ड फॉर्म है और टेकिंग जो है इसकी फोर्थ फॉर्म है लेकिन पैसे में हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे वी थ्री तो क्या हो जाएगा टी इज़ टेकन टी इज टेकन उसके बाद हमने सोर्स जो लगाना है वो क्या करना है बाय आई आएगा या मी आएगा मी आएगा उसकी वजह क्या है कि हमने पढ़ा था कि इधर सब्जेक्ट तो होगा लेकिन उसका केस कौन सा होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा ठीक है और उसके बाद अब देखें कि आई टेक टी टी इज टेकन बाय मी इसको ट्रांसलेट करें तो क्या बनता है मैं चाय पीता हूँ चाय मुझसे पी जाती है इट मीन्स कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर तो बदला है एक्टिव से पैसे में बदल गया है लेकिन हमारा मीनिंग नहीं बदला अगर मीनिंग बदल जाता तो इट मीन्स कि हमारा सेंटेंस गलत होता अब इसका नेगेटिव बनाते हैं मैं कहता हूँ मैं चाय नहीं पीता मुकर जाता हूँ इनकार कर जाता हूँ कहते हैं चाय पियो मैं कहता नहीं पीता नहीं पीता चाय जब मैं कहूँगा मैं चाय नहीं पीता तो फिर उसकी इंग्लिश क्या बनाऊँगा तो मैं क्या कहूँगा आई डोंट टेक टी आई डोंट टेक टी कौन चाय नहीं पीता मैं चाय नहीं पीता राइट right? तो जब मैं कहूँगा मैं चाय नहीं पीता आई डोंट एक मैं कहता तो हूँ मैं चाय पीता हूँ आई टेक टी मैं चाय नहीं पीता मुकर गया हूँ इंकार कर गया हूँ मैं चाय नहीं पीता तो फिर क्या होगा आई डोंट टेक टी तो जब इसको पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा टी क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर पहले आएगा देखें नेगेटिव में टी उसके बाद क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा टी इज उसके बाद नेगेटिव में हम नॉट लगाते हैं टी इज नॉट उसके बाद क्या हो जाएगा टेकन थर्ड फॉर्म उसके बाद बाय मी होप्स हो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी टी इज़ नॉट टेकन बाय मी उसके बाद देखें यहाँ पे मैं कहता हूँ क्या मैं चाय पीता हूँ डू आई टेक टी इसको डू आई नहीं पढ़ना क्या बना है डू आई डू आई टेक टी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पैसे में क्या हो जाएगा इधर भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा लेकिन इधर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं इज़ एम आर हैं तो क्या हो जाएगा इज टी उसके बाद क्या है देखें इधर डू आई टेक वर्ब था वी वन था इधर वी थ्री आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इज टी टेकन बाय मी देखें अगर आप इधर भी देखें इज टी टेकन बाय मी राइट उसके बाद इधर देखें क्या हो जाएगा डू आई नॉट टेक टी तो इधर भी क्या Is not taken by me? हो जाएगा इज टी नॉट टेकन बाय मी होप सो कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे राइट right? फिर भी समझना आए तो ये बार बार लेक्चर सुनें आप क्योंकि लेक्चर ये वीडियो की सूरत में है तो इसको जितनी मर्तबा आप सुन सकते हैं सुनें फिर भी समझ नहीं आते, जहाँ पे प्रॉब्लम हो समझें इसको अगर आप सीरियस लेंगे तो आपके अंदर क्वेश्चन पैदा होंगे आप समझने की कोशिश करेंगे बाज़ का तो ये होता है कि चीज़ें हमें समझ भी आ रही होती हैं उसके बावजूद हमारा दिल नहीं करता कि इनके ऊपर प्रैक्टिस करें तो फिर हम क्या करते हैं खाम हाँ के ऐसे सवाल जो इेलीवेंट होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं अपने जान छड़ाने के लिए नहीं अगर आप जज्बे के साथ सीखें जोश के साथ सीखें ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अब देखें कि इसको हमने एक्टिव में हमने ये बनाया फ्रा फिर इसी काम ने किस में कन्वर्ट कर दिया है पैसिव में कर दिया है क्योंकि हमने दो वॉइस वाए, पढ़ा था उसमें एक एक्टिव वॉइस था और एक पैसिव था कि जो जो रूल्स हमने डिस्कस किए थे वो सारे के सारे अब हमने क्या किए हैं अप्लाई किए हैं अभी तक मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा अब यहाँ पे हम मज़ीद कुछ प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद कुछ आपको टास्क दिया जाएगा उसको आपने घर में बैठ कर हल करना होगा अब देखते हैं कि वो टास्क क्या है सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन की तरफ आते हैं मतलब फिर लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आई हेल्प यू आई हेल्प यू अब देखें जब मैंने लिखा क्या लिखा मैंने आई हेल्प यू आई क्या है बेसिकली सब्जेक्ट है हेल्प क्या है वर्ब है और यू क्या है ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट पहले आया तो ये कौन सा टेंस है एक्टिव है मैं आपकी मदद करता हूँ जब मैं के ऊपर जोर है फोकस है तो फिर हम क्या लिखते हैं सब्जेक्ट पहले लिखते हैं उसके बाद हेल्प वी वन आ गया उसके बाद यू आ गया वो क्या है ऑब्जेक्ट है और यू का केस अगर आपको याद हो <coughs> जब हमने पढ़ा था कि सब्जेक्टिव केस एक होगा और एक ऑब्जेक्टिव केस होगा तो यू का हमने दोनों तरफ से ये जहन रखा था पढ़ा था कि यू का सब्जेक्टिव केस भी वही है और उसका ऑब्जेक्टिव केस भी वही है अब देखें आई हेल्प यू मैं आपकी मदद करता हूँ जब इसको हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है यू तो यू यहाँ पे आ जाएगा पैसे में यू उसके बाद हमने पढ़ा था कि आई के साथ एम लगेगा ही इट के साथ इज लगेगा वी यू दे टू आर मोर देन टू नेम्स अगर ये आ जाए तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे तो इसका मतलब है कि यू के साथ क्या आ जाएगा पैसे में आर आ जाएगा क्योंकि बी की फॉर्म्स आ जाएंगी प्रेजेंट में अब बी की फॉर्म्स क्या थी ये बी बेस फॉर्म थी इसकी प्रेजेंट में क्या थी इज एम आर और इसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए तो यू आर उसके बाद वर्क कौन सा हमारे पास हेल्प है तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी हेल्प्ड यू आर हेल्प्ड आपकी मदद की जाती है मैं आपकी मदद करता हूँ आपकी मदद की जाती है मदद करने वाला कौन है बाय मी आई की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा मी क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा केस लिखना है ऑब्जेक्टिव केस लिखना है इधर हमारे पास सब्जेक्टिव केस है इधर हमारे पास कौन सा केस है ऑब्जेक्टिव केस है इसी तरह इसका नेगेटिव आप देखते हैं कि आई डोंट हेल्प यू आई डोंट हेल्प यू मैं आपकी मदद नहीं करता तो मैं यहाँ पर जब लिखूंगा आई डोंट हेल्प यू तो अब मैं तो लिख रहा हूँ साथ आपने पहले ही इसका पैसे बना दिया होगा क्यों इसको हमने क्या करना है पहले लिखना है यू उसके बाद आर नाट क्योंकि नेगेटिव नारे इधर डू नाट है उधर हमारे पास क्या है आर नाट है और उसके बाद क्या है थर्ड फॉर्म यू आर नाट हेल्प्ड बाय मी यू आर नॉट हेल्प्ड बाय मी और उसके बाद इधर देखें जब हम इंटेरोगेटिव लाएंगे तो क्या हो जाएगा डू आय हेल्प यू डू आय हेल्प यू क्या मैं आपकी मदद करता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा आर यू क्योंकि इधर हमारे पास हेल्पिंग वर्क डू था तो डू शुरू में आया इधर हमारे पास हेल्पिंग वर्क क्या आ रहा है यू के साथ आर <coughs> तो आर पहले आ जाएगा आर यू हेल्प्ड बाय मे आर यू हेल्प्ड बाय मे उसके बाद जब इसका नेगेटिव पास इंटेरोगेटिव ना आएंगे तो क्या हो जाएगा डू आई नॉट हेल्प यू इधर क्या हो जाएगा हमारे पास है आर यू नॉट हेल्प्ड बाय मी आर यू नॉट हेल्प्ड बाय मे क्लियर आई होप दैट यू हैव अंडरस्टुड सो फार ठीक है जी uh, ये बेसिकली प्रैक्टिस है इसी तरह मैं सेंटेंस बोलता हूँ मैं कहता हूँ आई लव माई मदर आई लव माई मदर मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ तो जब मैं कहूँगा आई लव माई मदर तो फिर जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा माई मदर इज़ लव्ड बाय मी मैं इसी तरह कहता हूँ कि आई डोंट ईट मैंगो आई डोंट इट मैंगो मैं आम नहीं खाता तो जब इसको हम क्या करेंगे पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे मैंगो इज़ नाट इटन बाय मी क्योंकि इधर आई डोंट इट मैंगो नेगेटिव था तो उधर पैसे में भी जब इसका नेगेटिव नेंगे तो क्या हो जाएगा मैंगो इज़ नॉट इटन बाई मी इसी तरह मैं कहता हूँ डू आई टीच यू डू आई टीच यू क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ तो जब पैसे में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आर यू टॉट बाई मी आर यू टॉट बाई मी जब मैं कहता हूँ डू आई टीच यू यू क्या है आप मेरे ऑब्जेक्ट हैं आप एक्शन रिसीव कर रहे हैं ठीक है रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन है यू तो जब मैं कहूँगा डू आई टीच यू क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ तो जब इसको हम किस में बदलेंगे पैसे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आर यू टॉट बाय मी क्या आपको मुझसे पढ़ाया जाता है इसी तरह मैं कहता हूँ डू आई नॉट हेल्प हर डू आई नॉट हेल्प हर तो जब मैं कहूँगा क्या मैं उसकी मदद नहीं करता इनके हर है। हर किसके लिए यूज होता है फीमेल के लिए गर्ल के लिए डू आई नॉट हेल्प हर तो इसका क्या हो जाएगा इज शी पैसिव में इज़ शी नॉट हेल्प्ड बाय हर इज शी नॉट हेल्प्ड बाय हर होगा या बाय मी होगा बाय हर नहीं होगा वो गलती से हो गया है आपने क्या कहना है बाय मी इज शी नॉट हेल्प्ड बाय मी तो ये बेसिकली क्या है प्रैक्टिस सेशन है क्योंकि ये चंद सेंटेंसेस हैं जो हमने प्रैक्टिस में लाए हैं मजीद आप इसी तरह के सेंटेंसेस खुद से जनरेट करें और फिर उनको क्या करें प्रैक्टिस में लाएं। अब मैं कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस लिखूँगा एक्टिव में और कुछ लिखूँगा मैं पैसिव में आपका पेपर में एक सवाल आता है ना जिसको हमने एक्टिव uh, वॉइस की सूरत में हमने बताया था आपको पहले कि चेंज द वॉइस तो अब यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ चेंज द वॉइस चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आपने क्या करना है इनकी वॉइस चेंज करनी है वॉइस आपको समझा चुका हूँ कि वॉइस दो की दो टाइप्स हैं एक एक्टिव वॉइस है और एक पैसिव वॉइस है आपने इन सेंटेंसेस में देखना ये होगा कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है उसको आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है और कौन सा सेंटेंस पैसिव है उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है एक्टिव में अब देखें ये खुद से जज करना है आपने मैं लिखूंगा ये नहीं कि ये एक्टिव है और ये, है, ये, है, ये पैसिव है ये एक्टिव है ये पैसिव है नहीं मेरे सेंटेंस लिख देने हैं आपने खुद जज करना है फिर उनको उनके हिसाब से आपने क्या करना है Uh, मतलब कन्वर्ट करना है अगर एक्टिव में है तो पैसिव में हो जाएगा पैसिव में है तो फिर एक्टिव में हो जाएगा अब देखें पहला सेंटेंस है मैं लिखता हूं यहां पे ही uh, मेक्स ही मेक्स ठी राइट बहुत आसान सेंटेंस है दूसरा सेंटेंस में लिखता हूँ अली डज नाट गाइड यू अली डज नाट गाइड यू।, यू उसके बाद तीसरा सेंटेंस में लिखता हूँ आर दे आर दे टॉट आर दे टॉट टी ए यू जी एच टी आर दे टॉट बाय हर आर दे टॉट बाय हर उसके बाद चौथा सेंटेंस है कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर यह प्लीज़ नोट कीजिएगा और देखिएगा जो सेंटेंस में लिख रहा हूं कौन सा सेंटेंस एक्टिव में है और कौन सा पैसिव में है देखिएगा कि यहाँ मैं लिखता हूं ही इज नॉट ही इज नॉट इनफॉर्म्ड ही इज नॉट इनफॉर्म्ड अबाउट हिज रिजल्ट

देख लें भाई का इस्तेमाल कहां पे जाके हुआ ठीक है सेंटेंस लंबा है एक रूल को नहीं बोलना रूल अगर आपके समझ में आ गया तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद आगे नेक्स्ट है आ, मैं लिख देता हूं यहां पे ही He हेल्प्स the needy he helps the needy people right और उसके बाद नंबर सेवन पे लिख देता हूँ uh, they try they try to

तो इसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा उम्मीद है कि समझ आ जाएगी आपको <coughs> उसके बाद नंबर सेवन पे है डज इमरान खान डज़ इमरान खान

तो इन में से कौन से एक्टिव में हैं और कौन से पैसिव में हैं और फिर आपने ख़ुद आपको आइडिया हो जाएगा कि आया कि ये लेक्चर जो मैंने आपको दिया था ये आपको समझ आया है या नहीं आया ये सेवन सेंटेंसेस हैं इनको आपने क्या करना होगा कन्वर्ट करना होगा चाहे द वॉइस वॉस एमराज क्या है जो एक्टिव में है उसको पैसिव में और जो पैसिव में है उसको किस में बदलना है आपने एक्टिव में और उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा इसी के साथ हमारा प्रेजेंट इंडिफेंडेंस क्या होता है अपने अख्ताम को पहुंचता है यानी कि हमने अभी सीखा है प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस टास्क दे दिया गया है असाइनमेंट दे दी गई है कि आपने प्रैक्टिस इसकी खुद करनी है प्रैक्टिस के दौरान आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा जहाँ पे जिसको जिस तरह का प्रॉब्लम हो तो वो लाजमी कॉन्टैक्ट करे क्योंकि लेक्चर तो आप सुनेंगे बार बार सुनेंगे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे उनको फर्स्ट क्लिक में समझ आ जाएगा कुछ होंगे उनको सेकंड क्लिक में कुछ होंगे उनको थर्ड क्लिक में लेकिन जब तक आपको ये समझ ना आए आप इसकी जान ना छोड़ें अभी आपके पास एक सुनहरी मौका है इन चीज़ों को सीखने का और उम्मीद है मेरा ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए मदद आपके लिए काफ़ी इनके मददगार साबित होगा होप सो कि आप काम करेंगे किसी किस्म का अगर आपको प्रॉब्लम होता है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आज के लेक्चर को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़